ITI shares 100 shares लीमू वो 359 at the rate वो जब हाई चल रहा था तो फिर वो तो अपने को पकड़ में भी नहीं आता था क्योंकि मैं वो शेयर्स 69 से ले रही थी और एकदम 100 के ऊपर चला गया फिर बाद में 200 के ऊपर अब नेक्स्ट 300 के ऊपर तो मैं तब ली लेकिन तब से वो नीचे ही आ गया क्या फिर मैं रुकना है या फिर निकलना है तो अपन ने लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए है ना वीरा मैम एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म ओनली परफेक्ट अच्छा आस्था ऐसा नहीं चला मेरे ख्याल से ये 100 रुपए वाला स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है 300 के ऊपर साल की जर्नी ऐसी थी बस ये है कि साल की शुरुआत में अच्छे मूव आने के बाद से बहुत लंबे समय से दायरे में फंसा हुआ स्टॉक है तो आजकल जब अपन सरकारी कंपनियों की चर्चा करते हैं तो इसका जिक्र नहीं होता कैसा लग रहा है कि नहीं पोजिशन इस कंसोलिडेशन से निकलेगा तेजी तूल पकड़ेगी मैम का भाव मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा देखिए वीरा मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए इसने लॉस दिखाए जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स थे फोर्थ क्वार्टर FY24 लॉसेस में था इनफैक्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी अगर हम एक्सेप्शनल आइटम अदर इनकम को हटा देते हैं तो इसने फाइनेंशियली अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाए और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे तो आपको पता है फिर मार्केट उसको पनिश करता है अकॉर्डिंगली और इसलिए ये चला भी नहीं है लेकिन अब जो चार्ट्स की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है वो ये दर्शा रही कि अभी ये दायरे में घूम रहा है ये बहुत नेगेटिव भी नहीं लग रहा बहुत पॉजिटिव भी नहीं लग रहा तो हम एक क्वार्टर रिजल्ट्स का और वेट करेंगे मेरे हिसाब से आने वाले एक डेढ़ महीने में रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे जिसमें ITI का रिजल्ट आएगा मैम अगर आप तब तक रुक सकते हैं तो बेटर रहेगा तो होल्ड करने की सलाह है जस्ट रिजल्ट्स के लिए हम इंतजार कर रहे हैं इसके लिए बने रहिए और लॉस में अभी ना निकले स्टॉप लॉस आप अपनी पोजिशन में जो रखेंगे वो थोड़ा 265-260 के जोन में आ रहा है थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन डबल बॉटम फॉर्मेशन 260 के जोन में है तो वो ब्रेक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ एक से डेढ़ महीने का इंतजार करिए रिजल्ट आने के बाद वापस से अपनी पोजिशन को रिव्यू कराइए और सब कुछ अच्छा रहा तो एक बार ये ऊपर में 340 से लेके 350 तक जाने की कोशिश भी कर सकता है इनिशियली 330-340 तक के लेवल्स दिखा सकता है।